हेलो दोस्तों, अभी हम लोग जो बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में आए हुए हैं। यदि आप भी जो अपनी एटीएम की पासवर्ड को भूल गए हैं तो डोंट वरी, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आपको जो एटीएम का पासवर्ड को जो भूल गए तो फॉरगेट करके दिखाऊंगा, लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। और आप भी यदि भूल गए तो वीडियोज़ को कंप्लीट जरूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए आज की तो वीडियो को जैसा कि यहाँ शुरू पे आप करते लोग हैं। देख सकते हैं, ये बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है। ऊपर देखिए कुछ भी नहीं है अभी। अभी यहाँ पे जो कार्ड को हम लोग स्वाइप करेंगे, कार्ड को जो इसमें कुछ इस तरीके से हम लोग डालेंगे। ऊपर देखेंगे कि यहाँ पे लिखा रहा है आपका जो डाटा प्रोसेसिंग हो रहा है और जो यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आपको मैं बोलूँगा कि आप जो हिंदी सेलेक्ट करें या तो इंग्लिश ही सिलेक्ट करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। अपनी पिन को चेंज करने के लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड नंबर ऑप्शंस पे आपको मिलेगा फॉरगॉट, क्रिएट पिन, जनरेट पिन। तो आपको जो सेकंड वाले के ऊपर क्लिक करनी है। सेकंड वाले के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको जो जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करनी है। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगी। सारा प्रोसेस मैं करके दिखाऊंगा। अब यहाँ से आपका काम खत्म हो गया तो फिर से जो अपनी कार्ड को स्वाइप करनी है। चलिए करते हैं कैंसिल करके। फिर से कार्ड स्वाइप करने के बाद जो है फिर से यहाँ पे देख सकते हैं उसी तरीके से कुछ प्रोसेस आपका होगा। इसके बाद जो है आपको उसी तरीके से आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करनी है। मैं आपको कहूँगा, रिकमेंड करूँगा, इंग्लिश ही सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आप जो सेकंड वाले के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसा कि आप पहली बार भी किए थे। यहाँ पे इस बार जो आपको जनरेट ओटीपी पे नहीं क्लिक करके आपको वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करनी है। यहाँ पे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी गया होगा, वही ओटीपी आपको फिल करनी है। इसके बाद जो आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, जो न्यू पिन टाइप करनी है। फिर से आपके सामने इस तरीके से फिर से आपको जो है री इंटर करनी है। ये आपको जल्दी जल्दी करनी है, वैसे नहीं हो पाएगी। इसके बाद जो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं योर पिन इज चेंज सक्सेसफुली। तो आप भी यदि अपनी बैंक की पिन भूल गए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, जाइए इसी तरीके से कीजिए बैंक ऑफ इंडिया में। आपका 100% पिन जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगी, या फिर भूल गए तो आपका जब फॉरगॉट हो जाएगी।